सो दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी इकोनॉमी में रिसेशन होता है या इकोनॉमी थोड़ी डाउन जा रही होती है या कंपनीज लॉस में जा रही होती हैं, तो उस वक्त कंपनीज़ काफ़ी एम्प्लॉयज़ को फायर करती हैं। कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ को फायर करने का दो मेजर रीज़न होता है, या तो कंपनीज़ लॉस में जा रही है या तो वो जो रोल है उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा है। समझो कंपनी ने एक्स वाई जेड रोल पे किसी को हायर किया था और उन्होंने सोचा था कि इस रोल से इतनी प्रोडक्टिविटी होगी, बट उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो वो रोल मतलब उतना वैल्यूबल नहीं है, तो उस रीज़न से वो फायर कर रहे हैं। या तो थर्ड रीज़न हो सकता है, जो रोल पे आप काम कर रहे थे वो रोल का 90% ऑफ काम ऑटोमेट हो चुका है। और जो ऑटोमेट होता है उसमें देखो, कभी भी कोई काम ऑटोमेट तभी होता है जब उसमें बहुत सारी मैनुअल चीज़ें या रिपीटेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेटा एंट्री का वर्क हो गया और मतलब नॉर्मल टास्क हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं, लॉजिक की ज़रूरत नहीं, वेरीफाई करने के लिए ज़रूरत है, बट AI को ट्रेन किया जा सकता है कि जो रिपीटेबल टास्क है उसको एक्यूरेटली मतलब डिलीवर कर सके। तो अगर आपका रोल मतलब नॉर्मल लेवल का है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी नहीं है, तो फिर हाँ, तो भी वो सिनेरियो आ सकता है। नाउ लेट सपोज, इनमें से कोई भी सिनेरियो से हम दो सिनेरियो में बांट के चलेंगे। एक तो आपका रोल वैल्यूबल था बट XYZ रीजन की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि वो आपको फायर करेंगे, और समझो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मान के चलते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इंडस्ट्री में उस रोल पे, एक IT रोल पे, और कंपनी फायर करने वाली है। दो रीज़न हो सकते हैं, या तो पहला रीज़न आपका रोल वैल्यूबल है बट स्टिल मतलब कंपनी डाउन जा रही है और कंपनी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रही है, XYZ रीज़न की वजह से फायर कर रही है, या सेकेंड रीज़न आपका रोल 90% ऑटोमेट हो चुका है। सो गाइस, पहले सिनेरियो में बात करें कि समझो आपका रोल वैल्यूबल था और वैल्यूबल है भी, बट ये पर्टिकुलर कंपनी मतलब डाउनफॉल फेस कर रही थी या उतना प्रोग्रेस नहीं कर रही थी या एंटायर इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है, उस वजह से आपको फायर किया गया, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज़ तो महसूस होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मतलब आप फायर हुए हो। बट मैं आपको क्या कहूँगा कि आप दूसरे सिनेरियो से सोचो ना, कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में काफ़ी एम्प्लॉयज़ फ्रिक्वेंटली एक टाइम बाद जॉब चेंज करते या स्विच करते। सो गाइस, हमें वो फियर उस वक्त क्यों नहीं उतना ज़्यादा होता, हम खुद भी तो कंपनी चेंज करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमें उस वक्त उतना फियर नहीं होता, द रीज़न इज़ वैलिड रीज़न इज़ क्योंकि हम वो डिसीजन खुद से लेते हैं। और दूसरे केस में सडन डिसीजन होता है कंपनी से, उस केस में हमें फियर होता है कि ये कंपनी डिसीजन ले लिया है, हमने नहीं सोचा था, तो उस केस में हमें ज़्यादा फियर होता है। बट गाइज, इस मामले को आप सीधा कंपेयर कर सकते हो कि जब आप डिसाइड करते हो कंपनी छोड़ने का, या तो कंपनी डिसाइड करती है आपको छोड़ने का, तो कंपनी जब डिसाइड करती है तो हमें उतना फियर नहीं होना चाहिए। गाइज देखो, आपको उस कंपनी से इतना ज़्यादा मतलब लगाव नहीं होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, लेकिन किसी सिचुएशन में अगर कंपनी निकाल रही है तो आप सोचो मेरे पास स्किल है। गाइज टू बी ट्रू, उस कंपनी की आप जो काम कर रहे थे, XYZ सारी चीज़ों की वैल्यू है, बट मेन वैल्यू आपके स्किल की है जिस रोल पे आप काम कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी खासी स्किल है, आप उस रोल पे काम कर रहे थे, आपने अच्छी खासी चीज़ें सीखी हैं, अच्छी खासी भी नहीं मिनिमम भी चीज़ें सीखी हैं, तो आपकी वैल्यू मार्केट में रहेगी। वो कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी, आप 1, 2 या 3 महीने में आपको अच्छे खासे ऑफर लेटर मिल जाएंगे, या तो सेम सैलरी पे आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, या तो उस सैलरी के आसपास आपको ऑफर लेटर मिल ही जाएगा 2 से 3 महीने में। तो आपको इतना घबराना नहीं है उस सिचुएशन में, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्या होता है, ये डिसीजन अनप्रेडिक्टेबल मतलब सडन डिसीजन होता है जो कि कंपनी लेती है, हम नहीं लेते, इसलिए फिर इतना फियर होता है। लेकिन जब हम खुद इतनी बार कंपनी चेंज करते हैं तब हमें फियर नहीं होता है। इसको उस कंपैरिजन में भी सोचो, तो ऐसा सोचो कि कंपनी ने आपको एक मौका दे दिया कि आप कंपनी चेंज करो, एंड नाउ स्काई इज द लिमिट फॉर यू, यू कैन जंप टू XYZ कंपनीज। हाँ, 1-2 महीने आपको थोड़ा सा फील होगा, बट 1-3 महीने में आपको ज़रूर जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड सिनेरियो, आप जिस जॉब रोल पे काम कर देते वो रोल ऑटोमेट हो चुका है। ऑटोमेट यानी वो काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू अब किया जा रहा है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं है। तो या तो उन्होंने वर्कफोर्स रिड्यूस कर दिया है, या तो उस काम को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया जा चुका है। तो गाइस, पूरी तरह से ऑटोमेट नहीं होता उस वर्क को, रिव्यू करने के लिए कोई ना कोई तो होता है, बट या 90% ऑफ वर्कफोर्स रिड्यूस हो जाती है जब ऑटोमेशन होता है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो स्किल थी वो तो मतलब ऑटोमेट हो चुकी है। सो गाइस, हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो स्किल ऑटोमेट हुआ है तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अभी कम हो गया, समझो कि वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, बट आपकी स्किल रिलेटेड ही कोई ऐसी स्किल होगी जिसमें आपको वैल्यू भी मिलेगी, अच्छी खासी वेल्थ भी मिलेगी, जहाँ पे आपको ग्रोथ, सैलरी और सब कुछ अच्छा मिलेगा, और आपका जो करंट जो एक्सपीरियंस था जो कि ऑटोमेशन में आ गया है अब,
वो एक्सपीरियंस भी समवट काउंट होगा। तो आपको देखना है कि आपके रोल के, आपके डिपार्टमेंट के सिवा और कितने डिपार्टमेंट थे, उसमें क्या काम होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज में क्या हुआ कि एक रोल था पीवी, उसमें काफ़ी काम अभी ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है। नो डाउट अभी भी उसमें हायरिंग हो रही है, बट काफ़ी कंपनीज में फायरिंग हुई रिसेंट ईयर्स में। तो क्योंकि क्या हुआ, उसमें जो काम था उसमें काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया जा चुका है। बट आप देखोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, राइट, उसी क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज़ में, लाइक क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट रोल है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर है, बायोस्टैट, तो इन रोल्स पे जा सकते हो। बट आपको थोड़ा सा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको CDM या स्टैटिस्टिकल इस रोल पे काम करना है तो आपको SaaS सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। तो आप देखोगे आप अपने ही इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल हैं, आप एक बार ध्यान से देखोगे कौन से रोल को मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस इंडस्ट्री में, इस डिपार्टमेंट में काम किया है, तो मैं क्यों ना उस डिपार्टमेंट में चला जाऊँ जिसमें काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को है, काफ़ी अच्छा सैलरी ग्रोथ भी है और ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस भी है। मतलब अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो हाँ, अगर आपका रोल ऑटोमेट हुआ है, आप अपने आप को बिल्कुल अपग्रेड नहीं कर रहे, तो आपको थोड़े टाइम तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट जैसे ही आप देखोगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, मैं कैसे खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ, अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो तो अगेन आपको 5 to 6 months में आराम से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली काउंट ज़रूर होगा। डायरेक्टली काउंट मतलब और इनडायरेक्टली काउंट मतलब क्या होता है, डायरेक्टली काउंट समझो कि एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एक रोल है, तो उस पर सैलरीज देखोगे तो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी मिलती है। तो कंपनी अगर आपका प्रीवियस कोई रोल है उसका एक्सपीरियंस काउंट करती है, तो इस रोल पे आपको काफ़ी अच्छा सैलरी देना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी कि आपको हायर कर लेगी, बट आपको रोल और सैलरी इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं देगी, बट जैसे ही आप स्टेबिलिटी शो करोगे तो आपको रोल और सैलरी भी अच्छी खासी देगी। बट आपको उससे क्या होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज है या दूसरे डिपार्टमेंट का नॉलेज है, तो आपको हायरिंग में ईजी हो जाएगा। मतलब कंपनी आपको ईजिली हायर कर सकती है कंपेयर टू अदर पीपल। समझो 10 लोग हैं, 10 में से लाइक 5 पीपल आर लाइक दे आर डोंट हैव एनी नॉलेज, मतलब उनको सॉफ्टवेयर नॉलेज तो है बट इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। बट 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे रोल पे काम किया है। तो अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे रोल का या इंडस्ट्री का नॉलेज है, प्लस ये रोल के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर और जो नॉलेज रिक्वायर्ड था वो आपने सीख लिया है, तो आपको प्रेफरेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप इजीली हायर भी हो सकते हो और आप आराम से काम शुरू भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। नाउ कमिंग टू वन थिंग गाइस, आप बहुत बार ऐसा सुन रहे होगे पिछले 2-3 साल से कि IT कंपनीज में काफ़ी फायरिंग हो रही है। तो गाइस एक मैं बात बता देता हूँ, देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है ना, वहीं की न्यूज़ आपको सुनाई पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि IT में ही सबसे ज़्यादा फायरिंग हो रही है, द रीज़न इज़ आजकल न्यूज़ में IT या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बोली जाती है, सुनी जाती है। द रीज़न इज़ सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का हो रहा है, ओके। हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हर जगह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं आज के टाइम पे। और कंपेयर करोगे तो गाइस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आज के टाइम पे जो सैलरी होती है समझो 4 या 5 साल बाद, कंपेयर टू अदर फील्ड, मतलब अदर फील्ड में जो सैलरीज आपको 10, 15 या 20 साल बाद जो मिलती है आपको IT इंडस्ट्री में, टू बी ट्रू वो 3 से 5 साल में वो सैलरीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग लेवल भी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आपको फील होगा यहाँ पे वो, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है तो जब रिस्क का टाइम आता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो हाँ, जो कंपनीज आपको बहुत पे कर रही होगी या समझो IT इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 साल बाद कंपनी स्विच कर दी, हर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद कोई कंपनी स्विच कर दी। ऐसा करने से क्या होता है, जब भी आप कंपनी स्विच करते हो ना, रिक्वायरमेंट है तो दूसरी कंपनी क्या करती है, आपको 30% 40% हाइक दे देती है। तो क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा खासा हाइक मिल जाता है। समझो कि 4 साल में आपकी सैलरी होने वाली थी 15 लाख, बट वो हो गई 20 से 25 या 30 लाख। ये तो मैं एक एवरेज फिगर बोल रहा हूँ, सैलरीज इनसे भी बहुत ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि आपकी सैलरी आपने जंप कर करके 20-25 लाख कर ली थी, लेकिन इकोनॉमी में स्लो डाउन आया या रिसेशन आया, ठीक है, और क्योंकि आपने जंप कर करके आपने वो सैलरी तो हासिल कर ली, बट आपके पास उस लेवल का स्किल नहीं है, आपके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है, आपका जो काम है मतलब उसमें उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, ओके, जो आउटपुट है उसमें आपका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी ऐसे केस में फायर करेगी उन एम्प्लॉयज को जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है और जिनका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उस केस में भी अगर आपकी स्किल मैटर करती होगी, आपकी स्किल मतलब बहुत अच्छी होगी, आपका जो काम होगा वो वन ऑफ द कोर टीम का काम है, ओके, तो कंपनी आपको रिटेन करेगी, बिकॉज कंपनी के फाउंडर खुद आके कंपनी नहीं चला सकते, दे नीड एम्प्लॉय, दे नीड पीपल, दे नीड टीम, ठीक है, तो वो चाहिए ही होती है।
बट उस केस में आपको थोड़ा सा वो प्रेशर सैलरी का शायद महसूस हो, क्योंकि आपकी सैलरी हाई है और इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, तो आपको वो फेस हो सकती है। बट अगेन गाइस, इस सिनेरियो में भी क्या होता है, कोई कंपनी अगर स्लो जा रही है ना, तो कोई कंपनी ऊपर जा ही रही होती है। दूसरी कंपनी, जैसे देखो आपने अभी एक दो साल में देखा होगा कि अमेज़ॉन, गूगल, बहुत सारी कंपनी ने फायर किया। बट आप ये सोचो कि जो बंदे ने अमेज़ॉन, गूगल में 2-3 साल भी काम किया होगा, तो उन्होंने कितना कुछ सीखा होगा। तो जिन्होंने भी वहाँ पे काम किया होगा, उनको दूसरी कंपनी ने आराम से हायर कर लिया होगा, या तो सेम सैलरी पे, या तो उसके सैलरी के नियर बाई सैलरी पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्किल काफ़ी अच्छी एक्वायर की। तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ा लाइक प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, और आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं हर 5 साल पे। अगर आपका जो रोल है वो मैनुअल है, तब आपको ज़्यादा रिस्क है। बाकी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, कुछ भी आता है, कंपनी आपको फायर करती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 2 or 3 months आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जो आपका रोल है वो ऑटोमेट हुआ है, ठीक है, उस केस में आपके पास कुछ यूनिक नॉलेज नहीं है, आपका रोल में भी बहुत नॉर्मल सा काम था, ठीक है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपग्रेड कर लेते हो, समझो 3-4 months में मैं मानता हूँ कि आप अपग्रेड कर सकते हो अपने नॉलेज को। एक आप अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट में चेक कर लेना, जिसमें अच्छी डिमांड और ग्रोथ हो, और जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत हो, तो वो टेक्निकल नॉलेज या सॉफ्टवेयर स्किल एक्वायर करके आप अपग्रेड कर लेना। विद इन 6 months या 8 months आपको ईजिली वापस अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। गाइज, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा कि हम सब ने वो जर्नी जीरो से ही स्टार्ट की थी, बट हाँ, मतलब एक फेज पे पहुँचने के बाद वो जीरो जब हम पहुँचते हैं ना, तो हमें वो बैलेंस नहीं हो पाता। बट उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इंडस्ट्री में काम कर लिया, आप लॉजिकली सोचो कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो जिसको पे कम मिलता है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसको पे बहुत ज़्यादा मिलता है, ओके, या रोल होता है जिसको पे बहुत ज़्यादा मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के वर्क में डिफरेंस होता है, दोनों के स्किल में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसीलिए किसी एम्प्लॉय या किसी भी व्यक्ति को कम सैलरी या ज़्यादा सैलरी मिलती है। जो इंडस्ट्री है ना, पूरी स्किल बेस्ड है। आपकी जो स्किल है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा खासा काम है, काफ़ी अच्छे खासे टेक्निकल या सॉफ्टवेयर नॉलेज की ज़रूरत है, तो अच्छा खासा ही पे करेगी। लेकिन अगर आपका जो जॉब रोल है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं, टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस रोल पे आपको शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती। अगेन, सारे रोल्स पे नहीं, बट मतलब कुछ रोल्स पे तो जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो शायद आपको लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने स्किल्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हो, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी रख लेते हो, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।